हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस वीडियो लेकर के आ गए हैं और आपके लिए। और दोस्तों आज की जो वीडियो है वो इंडिया की सबसे पतली स्मार्टफोन के ऊपर है। जी हाँ गाइस, ओप्पो अपने स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है ओप्पो F17 Pro एंड ओप्पो F17। तो गाइस ये दोनों फोन जो है 2 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होगी। और गाइस आज हम आपको फुल रिव्यू दिखाने वाले हैं इस फोन में क्या क्या जो है वो खास होने वाला है। तो गाइस जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इंडिया का सबसे पतला फोन होने वाला है और गाइस सबसे कूलेस्ट फोन भी लगेगा जहां तक कि मुझे लग रहा है डिजाइन के हिसाब से। और दोस्तों ये फोन अगर आप अपनी बहन को देना चाहते हैं, अपनी फैमिली में किसी भी लड़की को देना चाहते हैं, तो गाइस ये फोन आपके लिए काफी अच्छा होगा। आप इसको एकदम आराम से परचेज कर सकते हैं और मेरी गारंटी है कि उन लोगों को ये फोन जरूर पसंद आएगा, क्योंकि गाइस ये फोन गर्ल्स को देखते हुए, उनकी सेल्फी क्वीन को देखते हुए बनाया गया है। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि गर्ल्स को सेल्फी लेना बहुत पसंद है। तो गाइस इस फोन में उसी तरह से आपको फ्रंट में ड्यूअल कैमरा देखने को मिल जाएगा, 16+8 मेगापिक्सल की ड्यूअल कैमरा, जो कि आपको पीछे ब्लर इफेक्ट भी वो काफी अच्छा देने वाला है। और उसके साथ साथ अगर आप इसकी बैक की बात करें तो गाइस इसमें बॉक्सी डिजाइन आ रहा है, बट वो बॉक्सी डिजाइन जो है रेडमी नोट 10 प्रो या फिर पोको M2 प्रो की तरह मिडिल में ना रहता, बल्कि रियलमी की तरह साइड में दिया रहता है। तो गाइस जिसके आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो है वो रियलमी, ओप्पो, वन प्लस इन सभी फोन को मिल करके बनाता है। तो गाइस ये सभी सब ब्रांड से बीकेकी इलेक्ट्रॉनिक्स की, जैसे कि Xiaomi की पोको है। तो गाइस इसमें वही वाला डिजाइन होने वाला जो रियलमी सी सीरीज में हमको देखने को मिला। और दोस्तों अगर इसके साथ साथ हम आपसे बात करें तो इस फोन में एक और चीज खास है, इसमें आपको 64 मेगापिक्सल की क्वाड कैमरा सेटअप बैक में देखने को मिल जाती है। और गाइस इसके साथ साथ डिस्प्ले में आपको फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जा रही है, जिसमें आपको रियलिटी की जैसा फीलिंग आने वाली है विद 409 पिक्सल पर इंच के साथ। दोस्तों इस फोन की जो आपको क्वालिटी देखने को मिल रही है वो एक फ्लैगशिप लेवल की क्वालिटी है। और दोस्तों इसका प्रोसेसर का बात करें 2.5 GHz की 1.8 GHz क्लॉक स्पीड के साथ 1 octa-core प्रोसेसर देखने को मिल जा रही है, जो कि स्नैपड्रैगन के पुराने वाले वर्जन, इसमें लेटेस्ट वर्जन स्नैपड्रैगन नहीं दिया गया है, क्योंकि इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये फोन जो है वो गर्ल्स के लिए काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये फोन को गर्ल्स को ही देखते हुए बनाया गया है, क्योंकि वो लोग उतना गेम तो खेलती नहीं है, उनको सेल्फी लेना है और यूट्यूब पे। साथ अगर आप बॉयज की बात करें तो इतना पतला फोन बॉयज के हाथ में अच्छा भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि अगर बॉयज इतना पतला हाथ मेरे तरीके से अगर देखा जाए फोन हाथ में ले घूमेगा तो वो फीलिंग नहीं आएगी फोन की, और हो सकता है कि बातचीत करते करते या कुछ भी करते हुए गेम खेलते समय वो फोन हाथ से गिरा दे। तो गाइस अगर आप एक पबजी लवर है, फ्री फायर लवर, तो ये फोन आप ना ले, क्योंकि इसमें आप हाई क्वालिटी की गेम नहीं खेल सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएगी, 64GB+4GB और 6GB+128GB स्टोरेज के साथ। तो गाइस ये फोन काफी अच्छा है जो कि इंडिया में लॉन्च होने वाला 2 सितंबर को। और गाइस अगर आप अपनी किसी भी सिस्टर को या फिर अपने दोस्त को ये फोन गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप आराम से परचेज करिए, क्योंकि ये फोन जो उनके लिए काफी अच्छा होने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो यही खत्म हो गई, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पे लाइक दीजिए, जिससे कि हमारा चैनल और भी ऊपर जाए और हम आपके लिए और वैसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहे।